ओके फ्रेंड्स, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के। फर्स्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रो फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1200 ओम। तो देखो क्या है न्यूमेरिकल निकालने का, सिंपल सा फंडा वही है जो दिया हुआ है उसको लिखिए और जो पूछ रहा है उसको लिखो, और फिर ये देखना हमने कि जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है उसमें कोई फॉर्मूला है। आपको या तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा या फिर उनका कोई ना कोई लिंक आपस में मिलेगा। जैसे अगर ये इसका ए पार्ट है, बी है, मैं ए के ऊपर आ जाता हूँ। इसमें क्या दिया हमें, हाउ मच करंट, करंट होता है आई, एम्पियर में आता है, ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब है कोई, ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट, वोल्ट में क्या आता है अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या दे, आपने ये अलग अलग लाइन में लिखने हैं, मैं सिंपली लिख रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या दिया हुआ है आपको, यानी कि वी दिया हुआ है 220 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है आर, रेजिस्टेंस। आर क्या है 1200 ओम। अब करंट पूछ रहा है यहाँ पे, तो सिंपलेस्ट है, इससे आसान और क्या होगा। ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला है, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। वी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आई पूछ रहा है, कोई बात नहीं, आर यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे, यानी कि वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई। अब दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है, वी कितना है 220 वोल्ट है और ये कितना है 1200 ओम है। ये क्या आएगा आई, आई क्या होता है करंट, किस में आएगा एम्पियर में। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.2 के आसपास, यानी कि 0.18 एम्पियर इतना आएगा। इसका दूसरा पार्ट, बी पार्ट क्या है, बिल्कुल ऐसा कैसा है, यही पूछा है कि कितना करंट ड्रॉ करेगा कौन। अब की बार बल्ब की जगह पर आपको दे दिया हीटर, और फिर से दे दिया आपको बी पार्ट में, इसकी वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट आई, ये करंट तो पूछ ही रहा है, और रेजिस्टेंस दे दिया इसने 100 ओम। अब पूछ रहा है आई क्या होगा, तो आई फिर से क्या आएगा, वी अपॉन आर, फॉर्मूले से यही आएगा। वी यहाँ पर क्या आपके पास 220 वोल्ट, आर कितना है 100 ओम, आप इसको सोल्व करेंगे इससे ये, और 2.2 एम्पियर ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसमें पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर एज 60 वोल्ट। तो यहाँ से जो लिखा हुआ है वो पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, ये है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, कब है ये, जब ये 4 एम्पियर का करंट इसमें से पास होता है। अब कह रहा व्हाट करंट विल द हीटर ड्रो, हीटर कितना करंट लेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट आ जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर हो गया है 120 वोल्ट, और यहाँ पर कह रहा है कि इस समय ये कितना करंट लेगा, यानी कि आई निकालना है। तो आई निकालने के लिए फॉर्मूला फिर वही है, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये यहाँ, यानी कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी और आर का हमें पता हो तो हम आई को निकाल सकते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर वी है, आर हमें दिया हुआ नहीं है। नहीं है तो कोई ना कोई इसने ऐसा सामान हमें दिया होगा जिसकी मदद से हम आर को निकाल सकें, और इसकी वैल्यू फिर यहाँ पर रखने में अपना आंसर आ जाएगा। और ये यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से आर निकाल सकते हैं हम। आर क्या है, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ये फॉर्मूला होता है। वी कितना है 60 वोल्ट, आई क्या है 4 एम्पियर, इसको काट दो आप, कितना आएगा 15 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है 15 ओम, ये आ गया आपके पास आर। अब आर कितना आ गया अपने पास यहाँ 15 ओम। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, आई क्या आएगा, वी की वैल्यू क्या है अब 120 वोल्ट, ये रही आर की, अभी अभी हमने ताज़ा निकाली है, वैल्यू कितनी है 15। अब इसको आप करेंगे तो इसको काट देंगे तो आप 8 पे जाएगा, ये 8 एम्पियर। इस तरह से न्यूमेरिकल करने, और करके देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, लेंथ दी हुई है एल, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर, ये क्या है एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वैसे पूरा लिखना होता है जैसे यहाँ लिख रहे हैं आपने एग्ज़ाम में, हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर, कोई दूसरी वायर है इसी मटेरियल की, यानी कि मटेरियल चेंज नहीं हुआ, उसका रेजिस्टेंस बताना है, मींस रेजिस्टेंस फिर बताना है, आर टू हमने बताना है, इसका मतलब ये आर वन है क्योंकि दो रेजिस्टेंस पूछ लिए, तो ये आर वन है इसका मतलब। ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, जिसकी लेंथ बदल दी है, अब की बार ये जो नई वायर है इसकी लेंथ क्या है एल अपॉन टू, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये क्या है 2a। तो पहले यहां देख लेते हैं, इससे हमें पता लग जाएगा। देखो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो हमने क्या पढ़ा था, लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली है, तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था रो एल अपॉन ए। अब ये आर वन की वैल्यू तो हमें दे ही दी 4 ओम, इसका मतलब ये किसके बराबर है 4 ओम के बराबर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो आर वन क्या है, ये इसके बराबर है, आर वन की वैल्यू दे ही रखी क्या है 4 ओम, वहाँ चलते हैं। आर टू क्या है रो एल, अब एल की जगह पर क्या दे दिया इसने, इसका तो आधा कर दिया इसने, तो ये क्या होगा एल अपॉन टू, और अपॉन क्या है ए, ए की जगह क्या कर दिया अब 2a, ये कर दिया इसने, इट मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो इसको भाग हम एक से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये जो बचपन से आप पढ़ते रहे कि दूसरा और तीसरा आपस में गुना होता है और पहला और चौथा गुना होता है, तो ये होगा l इंटू वन, और ये क्या है 2 इंटू टू क्या होगा 4a, और रो ये है ही। अब इसको और थोड़ा सा आसान करके मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन 4, ये 4 नीचे है, और रो l अपॉन a, ये क्या आया r2। अब गौर फरमाइएगा रो l अपॉन a ये किसके बराबर था 4 ओम, ये रहा रो l अपॉन a, इसकी जगह पर वैल्यू रख लेते हैं तो r2 क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन 4 इंटू 4 ओम, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू रख दी, 4 से 4 कट गया, R2 क्या आ गया आपके पास 1 ओम, तो उसका रेजिस्टेंस जो है ऐसी वायर का क्या मिलेगा आपको 1 ओम के इक्वल मिलेगा। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए हीटर इज 80 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 80 वोल्ट। When it draws a current of 4 ampere, current I आपको दिया हुआ है 4 ampere from the source, what current will it draw? फिर current पूछ रहा है कितना draw करेगा। If potential difference is increased to 120 volt, potential difference अगर उसका बढ़ाकर इतना volt कर दिया जाए तो, फिर वही बात है इससे संबंधित हम कर चुके हैं, V upon I क्या होता है R, क्या निकालना है I, I यहाँ R यहाँ, यानी कि I इज इक्वल टू V अपॉन R, लेकिन अफसोस कि आपको V दे रखा है R दिया हुआ नहीं है, नहीं है तो कोई ना कोई इस साइड में आ जाओ जो पहले दिया इसमें कोई ना कोई बात मिलेगी। V क्या है 80 वोल्ट, I क्या है 4 ओम, यहाँ से हम निकाल सकते हैं R दिया हुआ नहीं है, तो R क्या होता है V अपॉन I, V कितना है 80 वोल्ट, ये कितना है 4 एम्पियर, तो कितना आएगा ये 4 2, यानी कि 20 ओम। R क्या आता है यहाँ पे आपके पास 20 ओम, ये 20 ओम आ गया यानी कि यहाँ पे, तो अब I बताइए क्या आएगा, V क्या है अपने पास 120 वोल्ट अपॉन R क्या है अब 20 वोल्ट, क्योंकि ना ही तो वायर चेंज की है
ना ही टेम्परेचर चेंज किया है, कुछ नहीं, तो रेजिस्टेंस तो वही रहना है जो यहाँ आएगा, यानी कि 20 वोल्ट और ये होगा 6 एम्पियर, तो इसका करंट आपके पास क्या आएगा, 6 एम्पियर आएगा। इस टाइप से, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज की, मतलब एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर आ जाए किसी सर्किट में तो वो किस किस तरह से जुड़ सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो ये दो टाइप से जुड़ सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर रेजिस्टेंस का क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है रेजिस्टेंसेज का और पैरेलल क्या है, अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज आपके पास हैं और वो आपने एंड टू एंड जोड़ दिए हैं तो वो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और पैरेलल में क्या होता है कि वन एंड पर, यानी कि इनिशियल एंड है वो एक सिरे पर आप जोड़ देंगे और एक पर सबके फाइनल जोड़ देंगे। जैसे डोमेस्टिक की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है अपने घरों में, सीरीज नहीं होता है। सीरीज कहाँ, जैसे कि ये दिवाली वगैरह पर लड़िया वगैरह आपकी होती, इनमें क्या होता है, सीरीज होता है। तो सीरीज में क्या होगा, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है आर वन, ये इसका पहला सिरा है स्टार्टिंग, ये इसका दूसरा सिरा है। अब इसी तरह ये मान लिया दूसरा रेजिस्टेंस है आर टू, ये इसका पहला सिरा है फर्स्ट, ये इसका दूसरा सिरा है एंड है, यानी कि तीसरा है मान लिया रेजिस्टेंस ये है आर थ्री, ये इसका पहला सिरा है ये दूसरा है। तो ये जो पहला है ये इसका कौन सा है, एंड पार्ट, यानी कि इसका आखिरी सिरा इसके पहले के साथ जोड़ देना है, इसका आखिरी सिरा अगले के, यानी कि एंड टू एंड, इसको हम क्या कहेंगे, कैसे कनेक्ट किया हमने, एंड टू एंड अगर ये ज्वाइन है तो इस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं तो हमें टोटल का भी पता होना चाहिए, टोटल कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें आएगा इन तीनों का सिंपली जोड़ कर देना है, ज़्यादा हो तो ज़्यादा, जितने भी हैं चार पाँच, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अगर हम पैरेलल की बात करें तो इसमें क्या होगा, इनके इनिशियल जो एंड्स हैं वो एक पॉइंट पर, मतलब ये कि जैसे ये है अपने पास एक रेजिस्टेंस आर वन, ये है दूसरा रेजिस्टेंस आर टू, ऐसा डायग्राम आप बना देंगे, ये तीसरा रेजिस्टेंस है जैसे आर थ्री। अब ये इसका पहला सिरा है, ये इसका है, ये इसका है, तो इन सब को कंबाइन करके एक पॉइंट पे आप मिला दो, ये इसका आखिरी सिरा है, ये इसका आखिरी सिरा है, ये इस तीसरे का आखिरी सिरा है, इन सब को आप एक पॉइंट पे मिला दो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसमें अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात आप करें तो ये क्या होगा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन हैं, सीरीज और पैरेलल। अब इसे अगले वीडियो में इन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे।